नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप दिवाकर, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम इंग्लिश वोकेबलरी सीख रहे हैं रूट्स के द्वारा। और इसी कड़ी में आज हम जो दांत से संबंधित जो शब्द हैं और जो नापने मापने से संबंधित जो शब्द हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास में जो आज का शब्द है वो है टूथ से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं ओडोंटो। ओडोंटो का मतलब होता है दोस्तों टूथ, टूथ मतलब दांत। तो इससे बनने वाले शब्द हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला शब्द है हमारे पास दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, वो है ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थो का मतलब मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था, ऑर्थो का मतलब होता है कि सीधा करना। तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति जो दांतों को सीधा करता है, यानी दांतों के टेढ़ेपन को दूर करता है, दांतों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। इसमें हम एक प्रीफिक्स पढ़ेंगे पेरी। पेरी का मतलब होता है अराउंड, यानी चारों ओर। दोस्तों दांतों के चारों ओर क्या होता है, यह होता है पेरीडोंटिस्ट। पेरीडोंटिस्ट क्या करता है, दांतों के चारों ओर ट्रीटमेंट करता है। हर ओर क्या होता है, गम्स होते हैं, हमारे गम्स होते हैं। तो गम्स का जो हमारे ट्रीटमेंट करता है उसको हम बोलते हैं पेरीडोंटिस्ट। अब हमारे पास एंडो यानी इनर। अब हमारे पास में वर्ड है एंडो। एंडो का मतलब होता है इनर। तो एंडोडोंटिस्ट क्या करता है, एक व्यक्ति जो दांतों के अंदर का ट्रीटमेंट करता है, यानी दांतों के पल्प और दांतों अगर ख़राब हो जाए तो उसको रिप्लेस करके उसकी RCT करता है और नई केप लगाता है, उसको हम बोलते हैं एंडोडोंटिस्ट। ऐसे हमारे पास पेरीडोंटिक्स से रिलेटेड वर्ड्स हैं। पेरीडोंटिक्स ये एक ब्रांच है, स्पेशलिटी है, जो डील करती है दांतों के चारों ओर के ट्रीटमेंट में, यानी गम्स के ट्रीटमेंट। वह इसका जो एडजेक्टिव है वो है पेरीडोंटिक, पेरीडोंटिक। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि ये टूथ से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं इसको हम याद कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड एक्स, अगर किसी वर्ड के आगे लग गया तो उसका मतलब होता है आउट। तो एक वर्ड होता है एक्सोडोंटिस्ट। एक्सोडोंटिस्ट का मतलब होता है कि जो दांतों के बाहर की ट्रीटमेंट करता है, यानी बाहर की चीज़ों का ट्रीटमेंट करता है। अब हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट से रिलेटेड वर्ड। मेज़रमेंट के लिए जो वर्ड है हमारे पास रूट है वो है मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मेज़र करना। इससे रिलेटेड जो वर्ड बनेंगे, हमारे पास एक और रूट है थर्म, हीट। थर्म का मतलब था हीट, उष्मा। अगर इन दोनों को मिला के कोई शब्द बनाए तो हमारे पास आएगा थर्मामीटर। थर्मामीटर देखिए दोस्तों, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ER आ रहा है तो हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे, ये केवल हो जाएगा थर्मामीटर। थर्मामीटर होता है ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हीट को मेज़र करता है। अगला जो रूट है हमारे पास बेरोस। बेरोस का मतलब था वेट, यानी वज़न। जो वज़न को मेज़र करता है उसको हम बोलते हैं बेरोमीटर, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक दबाव को मेज़र करता है, वायुमंडलीय दबाव को, उसको बेरोमीटर बोलते हैं। अगला जो रूट है वह स्फिग्मो। स्फिग्मो का मतलब होता है पल्स। दोस्तों अपने बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो के कारण क्या होता है, पल्स जनरेट होती है, और उसको मेज़र करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए हमारे पास जो मीटर होता है उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। यहाँ पे आर का उच्चारण नहीं होगा लास्ट में, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। और जो सिस्टम होता है मेज़रमेंट का, जो सिस्टम के अंतर्गत डेसिमल सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत हम मेज़रमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। और जो मेज़रमेंट करने का स्पेशलिस्ट होता है ऑप्टिकल यानी प्रकाश रीजन को जो मेजर करता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो इस तरीके से हमने दांत और टूथ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़े, दांत और मेज़रमेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़े। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।